नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्त। मुझे आज सभी हिंदुओं के लिए एक बड़ी खबर है और खबर का सोर्स वही है, दिलीप मंडल। बताइए आप लोग कि मैं आपको बताऊं कि नहीं, कमेंट करके बताइए। जिनको गुमान है हिंदू होने पर, इस देश के तमाम जातियां, जिनको SC ST OBC और किसान कहा जाता है, यहां तक कि कायस्थ हो, राजपूत समाज के लोग हों, मतलब ब्राह्मण समाज को छोड़ के, ये सबके लिए खबर है, हर हिंदू के लिए। और कितनी अच्छी खबर है ये बता रहा हूं, सुनहरा मौका। केरल सरकार के मंदिर व्यवस्थापन बोर्ड ने मशहूर गुरुवायूर मंदिर के रसोइये के लिए विज्ञापन निकाला है। सिर्फ ब्राह्मण पुरुष अप्लाई करें। अगर किसी भी तरह की विकलांगता है जिसका बेशक खाना बनाने से संबंध न हो तो अप्लाई न करें। वेतन 50,200 रुपए तक जा सकता है। ये देखिए किस तरह से कैटेगोरी नंबर 13/2023 टेम्पल कुक। तो सोचिए, आप ऐसे हिंदू हैं कि आपको वो खाना बनाने के लायक नहीं समझते हैं। मैं राजपूत समाज हो, कायस्थ समाज के लोग हो, भूमिहार समाज के लोग हो, उनसे तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल है कि उन SC ST OBC और किसान से कहना चाहता हूं कि जो आपको खाना बनाने वाला नहीं बनने देना चाहता है, जो आपको बावर्ची नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको CM PM बनने देगा, आपको SP DM बनने देगा। अरे ये वो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है। इस देश में मेरिट के नाम पर, सोचिए, बाबा साहेब ने जातिवाद के खिलाफ अभियान चलाया और उन्होंने जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बना रखी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत, उन्होंने सभी को संविधान में अधिकार दिया, और जिनको अछूत और शूद्र बनाया गया था उसको सबसे ज्यादा संवैधानिक अधिकार दिया। सोचिए वो कौन लोग थे जो इस देश में आरक्षण का विरोध कर रहे थे और क्या कह रहे थे। जब SC ST का आरक्षण था तो भी विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि इसे मेरिट का कत्ल होता है, मेरिट खत्म होता है, मान लिया। 92 में OBC को रिजर्वेशन मिल गया तो और इनका रेस बढ़ गया कि इससे मेरिट खराब होता है, मान लिया। जैसे ही मोदी सरकार ने इनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जिसका कट ऑफ नंबर SC ST OBC से भी नीचे जा रहा है, तो इनका मेरिट खराब नहीं होता है। अब ये मेरिट की बात नहीं करते, अगर ये इतने ही मेरिट के पैरोकार होते तो कहते ना कि गरीब सवर्ण जो है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं लेगा। दरअसल ये लोग मेरिट के पक्षधर नहीं है, SC ST OBC किसान कम्युनिटी के खिलाफ हैं, और ये आपके बच्चों को कलेक्टर SP DM नहीं बनने देना चाहते थे, और अब ये आपको कुक भी नहीं, इनका बस चले तो ये आपको कुक नहीं बनने देना चाहते हैं। आप सोचिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपको जज बनने देंगे। 2018 से 576 जजों की भर्ती हुई है हाईकोर्ट में, 576, उसमें 67 जज OBC के हैं, 17 जज शेड्यूल कास्ट के हैं, और मात्र 7 जज जो हैं वो ट्राइबल हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, ये है इस देश की स्थिति। सोचिए, ये आपको कुक नहीं बनने देना चाहते अपने मंदिरों में, और ये कहते हैं कि ये हिंदू बनाएंगे आपको। आप कल्पना कीजिए कि आज सोशल मीडिया है तो इतनी बात हो रही है, इन लोगों ने क्या क्या किया होगा और क्या क्या आज तक करते हैं। दुनिया का एक पहला धर्म है जिसमें अपने ही धर्म के लोगों को जाति के नाम पर नीच और अछूत कहा जाता है, उसके हाथ का खाना खाकर ये अशुद्ध हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब। तो सोचिए, ये केरल की बात है, केरल के मंदिर का, जहां कांग्रेस और न जाने किसकी सरकार है। इसीलिए तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, जो द्रविड़ियन आंदोलन है, वो मंदिर में एग्जाम लेकर पुजारी बना रहा है। जो एग्जाम पास करेगा वो पुजारी बनेगा। सोचिए, राणा महेंद्र एक JNU के प्रोफेसर है राणा साहब, उन्होंने बकायदा एक किताब लिखा है, जल्दी रिलीज होगा, कि मंदिरों में कितने करोड़ की आमदनी है और वो खरबों रुपए की आमदनी है, और उस सिस्टम से इस देश के गैर ब्राह्मण हिंदुओं को बाहर रखा गया है। आप न पुजारी बन सकते हैं, न ट्रस्टी बन सकते हैं, आपको सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना है, और जब उसमें नौकरी की बारी आएगी तो भी आप नहीं कर सकते हैं, बताइए। और इस पर आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। और सोचिए, जिन लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है,
इनको जाति जनगणना से दिक्कत हो रहा है। इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जज कौन कितना है, एसपीडीएम कितना है, मंदिरों में पुजारी कितना है, ट्रस्टी कौन है, सारे मंदिरों पर कब्जा किनका है। हम भी हिंदू हैं भाई, हम सिर्फ चढ़ावा चढ़ाएंगे। यह भी पता चले ना कि चढ़ावा जो चढ़ा रहे वो भगवान के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सोचिए 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अमेरिका, इंग्लैंड एक्सरे के खोज हो रहे थे। मैडम क्यूरी, प्यार, ये तमाम लोग वैज्ञानिक थे, एक्सरे के खोज हो रहे थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रहा था, विज्ञान बढ़ रहा था। हमारे यहां क्या चल रहा था? हमारे यहां कोई कब्रिस्तान बनवा रहा था, कोई मंदिर बनवा रहा था। पूरा मुगलिया सल्तनत में देखिए कितना विकास हुआ है। और दोनों लोग एकदम चाचा फूफा बने हुए थे, चाचा मौसेरा भाई बने हुए थे। 17वीं शताब्दी में विज्ञान अपने शबाब पर था, चरम पर था। और आज भी सोचिए, आज इजराइल किस दम पर, टेक्नोलॉजी के दम पर फिलिस्तीनियों पर किस तरह का अत्याचार कर रहा है। और आज भी भारत में, भारत को सबक लेना है, हमारे बगल का देश कितना ताकतवर होता जा रहा है, कितना विज्ञान को अपना रहा है, कितना टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, जिसकी पूरी नीति विस्तारवाद की है। सोचिए चाइना से पैसा लेने पर केस हो जा रहा है पत्रकारों पर, फंड आया बैंक के थ्रू। चाइना जिस तरह से इस मोबाइल से लेकर हमारे घरों में घुस रहा है, हम अगर नहीं बनाएंगे, विज्ञान नहीं अपनाएंगे, टीवी, अखबार, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, जहाज बना रहा है। सोचिए पहले जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड जहाज बनाते थे, अब जहाज बना रहा है चाइना। विज्ञान के दम पर चाइना कितना आगे बढ़ गया है। और हमारे यहां पुजारी, मतलब बावर्ची भी जाति देखकर रखा जा रहा है। आप अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाइए। और सोचिए जो लोग इस देश में धर्म के लाभार्थी हैं, वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ा रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब गुरुद्वारा में 50 रुपए में सीटी स्कैन हो सकता है, तो तमाम मंदिरों के पैसे कहां जा रहे हैं। और सोचिए जातिवाद का अड्डा नहीं है, ये वैकेंसी निकाल रहे हैं कि खाना बनाने वाला सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए। क्यों भैया? ये लिख सकते थे कि खाना बनाने वाला डिप्लोमा धारी होना चाहिए, पूसा से ट्रेनिंग होना चाहिए, कैटरिंग मैनेजमेंट आना चाहिए, उसने कहीं से कोर्स किया हो तो समझ में आता, उसका ब्राह्मण होना क्यों जरूरी है भाई? जो खाना बनाने वाला होगा उसका ब्राह्मण होना क्यों जरूरी है? इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, पावर सेंटर्स पर जातिवाद है। मीडिया सबसे बड़ा जातिवादियों का गिरोह है और अड्डा है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी, अब सोचिए अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बकायदा कहा है कि हम 3 जज बना रहे हैं हाई कोर्ट में, उसमें एक शेड्यूल ट्राइब महिला है जिनको मणिपुर में जज बनाया गया है, और एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी के जज है जिनको चेन्नई में, तमिलनाडु में हाई कोर्ट में जज बनाया गया है। अब वो क्लेम कर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़। आप सोचिए, आप जज बन रहे हैं, कलेक्टर भी बन रहे हैं, एसपी भी बन रहे हैं, डीएम भी बन रहे हैं चिटपुट में, आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं, टीवी अखबार में आप नहीं रहेंगे, क्या मजाल है। सोचिए इस देश में मीडिया की ताकत का अंदाजा लगाइए कि इस देश में मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। आपके नेताओं को बदनाम किया गया। और सोचिए जो आपको बावर्ची नहीं बनने देना चाहते हैं, कुक नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको कलेक्टर बनने देंगे, चीफ जस्टिस बनने देंगे, मुख्यमंत्री बनने देंगे। और ये बात हर एससी एसटी ओबीसी, और इसलिए दिलीप मंडल ने कहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वही कर रही है, जाति जनगणना के हिसाब से टिकट नहीं दे रही है। दिलीप मंडल ने कहा है कि इस बार थोड़ा जातिवादी हो जाना चाहिए किसानों को, एससी एसटी ओबीसी को, और पार्टी कोई भी हो, जनरल कैटेगरी वाले को वोट ही मत दीजिए। सारा खेल एक, अगर आपकी संख्या 90% 85% है तो आप उनको वोट ही मत दीजिए। कोई ना कोई निर्दलीय, किसी ना किसी पार्टी का, बीएसपी का कैंडिडेट मिल जाएगा, कोई पार्टी हो या निर्दलीय हो, अगर वो एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी से, तो उसको वोट दीजिए। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, आप अपने अधिकार तो खोजेंगे ना। बिहार में जो जाति जनगणना हुई, और बिहार की दो खबरें बता दूं,
बिहार में जाति जनगणना के बाद एक और मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का। आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास होगा जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग 2016 से बड़े अधिकारी बनेंगे और यह पूरा देश में पेंडिंग है मामला। सोचिए, जाति जनगणना नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट टांग अड़ाता था, अब जाति जनगणना हो गई, पूरे देश में लहर फैल गई है, 2024 का मुद्दा है। और अब नीतीश कुमार ने कहा है कि हम भीम संसद भी कराएंगे, तो बिहार की पूरी राजनीति एससी एसटी ओबीसी के आसपास घूमने लगी है और इसका असर यूपी में भी दिख रहा है। 144 टिकट बांटे हैं कांग्रेस ने, 55 के करीब जनरल कैटेगरी को टिकट दिया और 39 दिया है ओबीसी को, इसको लेकर हंगामा कटा हुआ है और अभी 144 टिकट आया। कांग्रेस से मुकाबले बीजेपी ने ज्यादा ओबीसी को टिकट दिया है और यह होता है न्याय। आज अखिलेश यादव देवरिया गए थे, वो सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर गए और उसके बाद प्रेम यादव के घर गए। सोचिए, सत्यप्रकाश दुबे के हत्यारों की पहचान तक हो गई है, एफआईआर हुआ है, जेल में लोग डाले जा रहे हैं। प्रेम यादव के हत्यारों का अब तक सुराग नहीं कि उसकी हत्या पहले किसने की, ये सबसे बड़ा सवाल है। सत्यप्रकाश दुबे के हत्यारों को भी पकड़ा जाना चाहिए और प्रेम यादव की हत्या कैसे हुई इसकी भी पड़ताल हो और उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। शुक्रिया अखिलेश यादव, आपने जातिवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार यूपी में जाति की राजनीति नहीं है, जातिवाद के खिलाफ राजनीति है। मीडिया आपको ठगता है। जिन लोगों ने बुद्ध से बुद्धू बनाया, दुनिया के सबसे विद्वान आदमी का नाम बुद्ध था तो कहा कि बुद्धू शब्द बनाया। जिन लोगों ने प्रचार किया कि पढ़ने लिखने से पागल हो जाएंगे, जिन लोगों ने झूठ फैलाया कि खेती सबसे बढ़िया काम है और नौकरी सबसे खराब है और बिजनेस मध्यम है, आज वही लोग बिजनेस और नौकरी कर रहे हैं और खेती करने वाले लोग की क्या दुर्दशा है। वही लोग जिन्होंने आपको बहकाया, सोचिए, वही लोग जिन्होंने आपको बहकाया, वही लोग आपको बहकाते हैं और कहते हैं कि जातिवाद, जो बुद्ध कबीर साहब और रविदास महाराज ने खूब जाति बताई अपनी और जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तुलसी दुबे ने अपनी जाति नहीं बताई और खूब जातपात लिखा। तो जो जाति बताता है, जाति की बहस करता है, वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो पीड़ित है। जो कहता है कि मैं जाति पाति नहीं मानता, वो घोर जातिवादी है, क्योंकि वो जाति का लाभार्थी है। इसलिए जो मीडिया आपको कहती है, जिस नेता को, जिस एससी एसटी ओबीसी किसान नेता को इस टीवी अखबार वाला मीडिया कहे कि चोर है, उसको ईमानदार मान लीजिए, और जिसको कहे ये राष्ट्रीय नेता है उसको जाति का नेता मानिए, और जिसको कहे ये दलित नेता है, पिछड़ा नेता, आदिवासी नेता है, उसको राष्ट्रीय नेता कहिए। इस देश में राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पैसे वालों की पार्टी है, जनाधार पार्टी नहीं। सवर्णों की संख्या कितनी है? सवर्ण समाज 10-15%, तो उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कैसे हो गई? वो पैसे वाली पार्टी है। बड़ी पार्टी बसपा है, सपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, जिनकी संख्या ज्यादा है, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, किसानों की। लोकदल बड़ा है, INLD बड़ा है, NCP बड़ा है, जो मराठाओं की पार्टी, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उनको ये लोग कहता है जातिवादी पार्टी। इसलिए टीवी अखबार पर कभी भरोसा मत कीजिए, वो जो दिखाता है वो खबर नहीं, प्रचार है, और वो जो छुपाता है वो खबर है। इस देश में बहुजनों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो टीवी और अखबार, उसका बायकॉट कीजिए, उस पर खर्चा मत कीजिए और सोशल मीडिया पर भी उसको दरकिनार कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।